अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। कभी भी गलती से कभी भी डार्क वेब पे मत जाना, क्योंकि अगर आप वहां एक बार चले गए तो वापस नहीं आ सकते। मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं, पर आप कभी भी उन यूट्यूबर्स के बहकावे में मत आइएगा जो अपने चैनल पे डार्क वेब के बारे में वीडियोस बनाते हैं और उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे देते हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं जानना चाहिए। ऐसे ही मुझे भी डार्क वेब के बारे में पता चला था। मेरा नाम पीयूष है। ये बात लॉकडाउन के टाइम की है, जब हम सब सेल्फ क्वारंटीन में थे। मैं अपने रूम पे अकेला रहता था और दिन भर यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता था। इसी तरह एक दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें डार्क वेब के बारे में बताया गया था कि कैसे वहां पे हर तरीके के इलीगल काम होते हैं, मर्डर वेपन से लेकर ड्रग्स, लाइफ टॉर्चर, वहां सब कुछ बिकता है। एक वीडियो में तो मैंने ये भी सुना था कि डार्क वेब विजिट करने वाले के साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल जरूर होता है और उस इंसान के साथ कोई ना कोई भयानक वाकया जरूर पेश आता है। इन चीजों को जानने के बाद मुझे भी डार्क वेब पे जाकर इन चीजों को खुद से देखने की इच्छा होने लगी थी। मैंने तुरंत अपने कंप्यूटर में टॉर ब्राउजर इंस्टॉल किया और डार्क वेब के समंदर में हो रही अमानवीय चीजों को देखने लगा। ब्राउज करते करते मैं एक पेज पे पहुंचा जिसका नाम Saturn666.onion था। वो पेज बहुत ही बेसिक वेबसाइट थी और उस पूरे वेब पेज में बस एक लिंक था जिसपे लिखा था बुक योर फ्री ट्रायल फॉर द शो। मुझे पहले लगा कि ये कोई जंप स्केयर प्रैंक वेबसाइट होगी जहां क्लिक करने पर कोई डरावनी सी फोटो आ जाएगी और जोर से जंप स्केयर साउंड करेगी जिससे मैं चौंक जाऊंगा। मैंने खुद को ब्रेस करके उस लिंक पे क्लिक किया, पर वहां जंप स्केयर जैसा कुछ भी नहीं था। इंस्टेड वहां दो बॉक्स आए जिसमें मुझे नेम और एज डालनी थी। आई नो इट साउंड स्टूपिड, पर मैंने क्यूरियोसिटी में अपना नाम सरनेम चेंज करके फिल किया और उस शो में एंटर किया। पहले तो स्क्रीन ब्लैक रही, पर कुछ देर बाद स्क्रीन पे एक वीडियो स्टार्ट हुई। उस वीडियो में जो कुछ भी था वो दृश्य विचलित कर देने वाला था। वो एक छोटा सा कमरा था जहां दीवारों पर चारों तरफ खून लगा हुआ था। हर तरफ जमीन पर खून से सनी बेड़ियां रखी हुई थी और दीवार के पास एक इंसान को बांध कर रखा गया था। उस आदमी के मुंह पर टेप लगा था और हाथ पैर दीवार से लगाकर बेड़ियों से बंधे थे। ये एक रेड रूम था। इसके बारे में मैंने सुना था कि ऐसे ही छोटे कमरों में लोगों को टॉर्चर किया जाता है और उसे डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीम किया जाता है और कुछ दिमागी रूप से बीमार लोग इसे देखते हैं और पैसे भी लगाते हैं। मुझे उस आदमी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे सिसकियां ले रहा था। वीडियो के बगल में एक चैट बॉक्स था जिसमें और लोग भी जुड़ रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे। तभी वीडियो में एक और आदमी आया जिसने कसाईयों वाले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पे एक गोट मास्क लगा रखा था। वो कैमरे के पास आया और अजीब तरह से हंसने लगा। फिर वो वापस उस आदमी के पास गया और उसके सर पे हाथ फेरने लगा। उस आदमी का हाव भाव देख के ऐसा लग रहा था कि वो डरा हुआ था। फिर वो गोट मास्क वाला आदमी वहां से चला गया। रूम बिल्कुल खाली था और वो इंसान वहां अकेले रो रहा था। तभी वो गोट मैन वहां एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर आया जिसे देखकर वो आदमी चिल्लाने लगा। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों को दर्द में देखकर मजा आता है। फिर उस गोटमैन ने उस आदमी का एक हाथ काट दिया जिसे देखकर मैं पूरी तरह से शॉक हो गया, पर इतना काफी नहीं था। अचानक वो गोटमैन कैमरे में देखने लगा जैसे मानो वो मेरी तरफ देख रहा हो। उसने कहा, क्या हुआ पीयूष, तुम्हें शो पसंद नहीं आया? और जोर जोर से हंसने लगा। मैंने तुरंत वो टॉर ब्राउजर क्लोज किया। ये सब क्या था? मैं खुद में सोच रहा था कि तभी मेरे कंप्यूटर पे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था,
योर ट्रायल पीरियड इज ओवर। और उसमें दो ऑप्शन थे, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू और अनसब्सक्राइब। मैंने तुरंत अनसब्सक्राइब पे क्लिक किया, जिसके तुरंत बाद स्क्रीन पे एक मैसेज आया, थैंक यू, आवर पीपल विल कॉन्टेक्ट यू सून। आखिर इसका क्या मतलब है? तभी मेरे स्क्रीन पे एक बार फिर से एक मैसेज पॉपअप हुआ, जिसमें लिखा था और हैप्पी अनसब्सक्राइबर्स। और इसके साथ ही कई सारी फोटोज फ्लैश हुई, जिनमें लोगों के सर धड़ से अलग थे। ये सब देख के मेरे होश उड़ चुके थे, अंदर से मुझे डर लग रहा था। मेरा डर उस वक्त दहशत में तब्दील हो गया जब मैंने आखिरी फोटो देखी, जो कि मेरी फोटो थी, जिसपे रेड कलर से सर्कल बनाया हुआ था और नीचे लिखा था योर नेक्स्ट। ये जो भी लोग हैं, इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर आप ये वीडियो